हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं SNV ऑटो गाजियाबाद में मारुति सुजुकी अरीना, और आज हमारे बीच में होने वाली है मारुति की स्विफ्ट जो मॉडल है VXi। तो एक बार इस गाड़ी पे एक बार नजर डालिए आप, ये रेड कलर है, आप देख सकते हैं कितनी प्रीटी एंड कितनी सेक्सी लग रही है गाड़ी। तो आइए गाइस, हम करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की बात। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट की लुक में बिल्कुल स्पोर्टी लुक दे रही है। प्रोफाइल में देख सकते हैं ये आ गया मैट ब्लैक ग्रिल, जो कि बहुत ही बेहतरीन लुक दे रही है। एंड ये आ गया मारुति का सुजुकी का बैजिंग। एंड आप देख सकते हैं ग्रिल में भी ये क्रोम की फिनिशिंग दे रखी है, ये क्रोम दे रखी है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। ये स्विफ्ट आ गया, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लगेगी। एंड आप देख सकते हैं, अब हम करते हैं लाइट की बात। एक बार आप लाइट पर नज़र डालिए, ये आगे इसके हेलोजन बल्ब, एंड ये आगे इसके हेलोजन इंडिकेटर, जो कि रात में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। एंड ये आगे ये VXi मॉडल है, तो इसमें फॉग लैंप नहीं है। अगर आप टॉप लोगे तो आपको यहाँ मिल जाएंगे फॉग लैंप। जैसे कि हमने फ्रंट की बात करी, अब हम करते हैं सेट प्रोफाइल की बात। आगे हम साइड प्रोफाइल में करते हैं हम इसकी बात। आप एक बार पहले साइड से गाड़ी देखिए, बिल्कुल साइड फेस ऐसा लग रहा है मिनी कूपर। बहुत प्यारी गाड़ी है, छोटी गाड़ियों में सबसे बिकने वाली और सबसे ज़्यादा फेवरेट जो गाड़ी है वो आ जाती है मारुति स्विफ्ट। तो हम करते हैं साइड प्रोफाइल की बात। तो गाइस, हम बात करते हैं इसके टायर की, तो इसमें अपोलो का टायर है। एंड अगर हम इसके साइज़ की बात करें, 165/80R 14 इंच का टायर है। एंड इस वाले मॉडल में आपको मिल जाएगी व्हील कैप, जो कि शानदार लुक देती है। भाई एलोय के सामने तो टक्कर देखो देख नहीं पाने की, लेकिन बहुत प्यारी लुक देती है। आप देख सकते हैं एक बार गाड़ी पर नज़र डालिए। एंड अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 163 mm है, जो कि बेकार रास्तों में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। अब अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएँ तो ये आ जाता है इसका ORBM, बिल्कुल बॉडी फिनिशिंग, जो बॉडी कलर से मैच है बिल्कुल। एंड ये आ जाते हैं इसके इंडिकेटर, जो कि रात में बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। एंड हम थोड़ी सी आगे चलें, ये आगे इसका डोर हैंडल, बैक डोर हैंडल देखें तो इसके बैक डोर हैंडल ऊपर आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, कितने बेहतरीन लुक दे रहे हैं, बिल्कुल स्पोर्टी लुक आ रही है। एंड अब हम करते हैं बैक प्रोफाइल की बात। जैसे गाइस हमारी साइड प्रोफाइल की बात हो गई है, अब हम करते हैं बैक प्रोफाइल की बात, जो कि बैक से आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लुक देती है। तो ये आ गया इसका एंटना, एंड ये आ गया इसकी स्टॉप लाइट। इसमें ना तो डिफॉगर आता ना ही वाइपर आते। एंड हम नीचे आए तो ये आ गया इसकी मारुति सुजुकी का लोगो, एंड ये आ गया स्विफ्ट की बैजिंग। एंड जो इसमें जो पीछे सबसे ज़्यादा जान डालते हैं वो आ जाते हैं इसके टेल लैंप, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही एग्रेसिव एंड बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। हेलोजन टेल लैंप है। एंड ये आ गया इसका इंडिकेटर। एंड थोड़ा नीचे चलें, ये आ गया इसके पार्किंग सेंसर, जो कि पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा टू 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 करके आपको बता दे। एंड हम करते हैं इसके बूट स्पेस की बात। अगर आप बूट स्पेस इसका खोलोगे तो आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं, ये आपको मैग्नेटिक सिस्टम मिल जाता है ऑन ऑफ। एंड आप एक बार बूट स्पेस की तरफ नज़र डालिए, इसका बूट स्पेस है 268 लीटर का, जो कि हैचबैक कार में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस है। एंड बहुत अच्छे से आप 2-3 बैग कैरी करके ले जा सकते हैं, मैं कह रहा हूँ अच्छे से आप अपना टूर अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो बाकी हम करते हैं इंटीरियर की बात और इसके अंदर के फीचर्स के बारे में बताते हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो आइए गाइस, चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो उससे पहले एक बार गाड़ी के डोर पैनल की तरफ नज़र डालिए। ये VXi मॉडल में आपको मिल जाएंगे चारों पावर विंडो, मिल जाएंगे लॉक अनलॉक मिल जाएगा शीशे लॉक करने के लिए। एंड ये है ORBM एडजस्टेबल करने के लिए, जो कि शायद ही इस मॉडल में इतने फीचर कोई गाड़ी दे सकती है। बाकी हम करते हैं इसके इंटीरियर की बात। तो दोस्तों, आगे हम गाड़ी के अंदर, एक बार पहले स्टेयरिंग पर नज़र डालिए, कितना प्यारा सा स्टेयरिंग है। एंड ये इसके म्यूट वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन इसका ऑप्शन आ गया है, ये म्यूट का ऑप्शन आ गया है, ये चेंज करने का ऑप्शन आ गया है। अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो उसमें आपको यहाँ भी बटन मिलेंगे, जिसके पीछे जैसे कुछ सिस्टम जो भी सिस्टम होते हैं चेंज करने के लिए वो यहाँ से मिल जाएंगे। एंड ये आ गया मोड, जिससे अगर जो भी आपको मोड चेंज करना हो FM का, जो भी आपको मोड चेंज करने हैं। एंड इसमें गाइस आपको ना स्क्रीन नहीं मिलेगी, इसमें नॉर्मल आपको वो पुराने ज़माने वाले आ जाते थे ना रेडियो नंबरिंग वाली, तो इसमें आपको वो मिलेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन कपलर टू कपलर काम करवाना, जो कि शोरूम वालों ने बताया कि अगर कपलर टू कपलर काम नहीं कराओगे, अगर आपने वैसे कट लगवा दिया तो वारंटी आउट हो जाएगी। लेकिन मतलब बहुत सेफ्टी से काम कराना अगर आप गाड़ी ले रहे हैं ये वाली। एंड ये आ गया AC कंट्रोल, एंड ये आ गया डबल इंडिकेटर। मतलब गाड़ी बहुत स्पेस है, मैं कह रहा हूँ गाड़ी अगर आप ले रहे हैं, इस गाड़ी को अगर आप ले रहे हैं, पहली बात तो हमें रिकमेंडेड करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को तो पहली पता होगी। लेकिन अगर जिसको भी नहीं पता तो मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी को आप आँख मीच के ले सकती हैं। ये लड़के लवाड़ों वाली भी गाड़ी है, फैमिली गाड़ी भी है। एंड मैं कह रहा हूँ ये मत पूछो कि किसके लिए नहीं है, ये ऑफिस वाले बिजनेस वाले हर किसी बंदे के लिए ये गाड़ी बनी हुई है, बहुत सोच समझ के गाड़ी बनाई हुई है। एंड ये आगे इसके लाइट,
जैसे भी अगर मान के चलो अंधेरे में आपको कुछ ढूंढना है तो जला सकते हैं। ये आगे इसकी स्पीकर, ये बहुत प्लस पॉइंट दे रखा है। जैसे बहुत से क्या करते हैं यहाँ पे वो छोटे छोटे स्पीकर लगा लेते हैं ना, मैं तो वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको शिफ्ट में मारुति वालों ने पहले से ही आपको ऑप्शन दे रखा है। एंड ये आपके चार्जिंग पॉइंट आ गया, यूएसबी केबल लग जाएगी यहाँ पे, ये इसका हैंड ब्रेक आ गया, ये इसका गियर आ गए, पांच गियर की है, छठा रिवर्स है। एंड ये आगे इसकी सीट, आप सीट देख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। एंड अब ये देखो, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्पोर्ट्स कार है, तो स्पोर्ट्स कार के हिसाब से सीट है। आप देखिए, अगर आप इस सीट में बैठोगे ना, तो जैसे देखो मुझे देख सकते हैं आप, जैसे मैं बैठा हूँ, अगर मैं इधर मूव होऊंगा या इधर मूव होऊंगा तो ये बिल्कुल मेरे को कवर कर रही है। अगर मान के चलो मैं इधर हुआ तो ये मुझे कवर करेगी। मतलब अगर आप बहुत से बंदा बहुत तेज गाड़ी चलाता है और एकदम से हैंडल घुमा देता है, तो ज़्यादा मोस्टली सिचुएशन ये बनती है कि ड्राइवर के ऊपर गिरता है साइड वाला बंदा, लेकिन ये आपको सेफ्टी देगी। एंड ये आ गया कॉल उठाने का, कॉल कट करने का, ये ब्लूटूथ आ गया। मतलब VXI मॉडल में आपको बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी एंड बहुत ही फीचर मिले हुए हैं। बाकी हम करते हैं पीछे की स्पेस की बात। जैसे गाइस हमने फ्रंट की स्पेस की बात करी, अब आप बैक की बात करें, देखो कितना स्पेस है। पहले तो आप इसमें आराम से, पहले तो देखो ये सीट कितनी पीछे हुई हुई है, लेकिन फिर भी पैर अड़ नहीं रहे। वो तो सीट कुछ ज़्यादा ही पीछे है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी आगे करते हैं, देखो अब सीट हमने आगे कर दी है, अब देख सकते हैं कितना स्पेस है। हमारी नी भी नहीं अड़ रही है, मतलब बहुत स्पेस है, स्पेस की तो कोई कमी नहीं इस गाड़ी में, भर भर के स्पेस है। बाकी आइए चलिए अब हम करते हैं इसके इंजन की बात। तो गाइज अब हम करते हैं इसके इंजन की बात, जिसका 1.2 लीटर का इंजन है एंड ये 4 सिलेंडर में आती है। एंड इसकी अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो 88.50 BHP पावर प्रोड्यूस करती है। अगर हम इसके टॉर्क की बात करें, 113 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि पिकअप में एंड पावर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। एंड अगर मैं कह रहा हूँ अगर आप लो गियर में भी चलाने हैं तो बहुत अच्छा पिकअप देगी, क्योंकि 113 Nm टॉर्क हैचबैक कार में बहुत ही बढ़िया हो जाता है, जिससे अगर आप इंक्लाइन में भी चला रहे हैं अगर आपको, तो बहुत इजीली चढ़ जाएगी। जैसे कि आपको पता ही होगा पहाड़ों पे बहुत ही चलने वाली गाड़ी सबसे ज़्यादा स्विफ्ट होती है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसके हो गया इंजन कंपोनेंटल, ये इंजन की कवरेज एरिया कवर हो गया। बाकी आप कमेंट में बताना कि आपको गाड़ी कैसी लगी, मैं पहले बंद कर देता हूँ इसे। तो गाइस हमारा ओवरऑल गाड़ी का रिव्यू हो चुका है, कैसी लगी आपको गाड़ी? ये गाड़ी, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, नो कमेंट, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं कि गाड़ी कैसी लगी। सबकी दिलों की धड़कन है, सबकी जान है मारुति की स्विफ्ट। एंड अगर आपको ये लेनी है, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं लास्ट में भी आपको फिर भी बता रहा हूँ, इस गाड़ी पर ऑफर चल रहा है SNV ऑटो मारुति सुजुकी अरीना पर, बेस्ट ऑफर ऑन न्यू कार, बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ओल्ड कार, जीरो डाउन पेमेंट फाइनेंस। अगर आपको किसी को भी ये गाड़ी लेनी है तो आप शोरूम, एक बार मैं एड्रेस बता देता हूँ, अंबेडकर रोड नियर कार का गड़ी चौक गाजियाबाद। एंड मैं एक बार भी ये सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको बुकिंग है, जो भी आपको कुछ कराना है तो आप करा सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी न्यू वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज, थैंक यू।